शासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। सरसोत दंड झील पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा किया था। सहसवान तहसील में प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो सहसवान तहसील की ये तस्वीर, ये पूरा मामला जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। सरसोत दंड झील पर अवैध कब्जा किया गया था और इसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली। और महोबा से खबर है जहां पानी भरने गई किशोरी के साथ छिड़खानी का मामला सामने आया और वही विरोध करने पर पीड़िता और उसके परिवार को जमकर दबंगों ने पीटा। तीन दबंगों ने सरेआम मारपीट की है। पीड़ित किशोरी समेत चार लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के देवगनपुरा गांव का यह मामला है। किशोरी के साथ पहले छिड़खानी की जाती है और जब इसका विरोध किया जाता है परिजनों के द्वारा और किशोरी के द्वारा, तो दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है आप इससे अंदाजा लगाइए कि परिजनों की पिटाई की जाती है, किशोरी को जमकर पीटा जाता है। किशोरी के साथ पहले छेड़खानी की गई और विरोध करने पर जमकर दबंगों के द्वारा पिटाई की गई। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत जिले के कई सड़कों पर नोएडा ट्रैफिक विभाग ने एक बार फिर स्पीड लिमिट को बढ़ा दिया है। पिछले दिनों सर्दी और कोहरे के कारण इन एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों के मामलों में इजाफा हुआ था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए नोएडा ट्रैफिक विभाग ने इन एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को कम कर दिया था, लेकिन बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर इन एक्सप्रेसवे के स्पीड लिमिट को पढ़ा दिया है। कई सड़कों पर स्पीड लिमिट जो है वो बढ़ी है। यमुना एक्सप्रेस वे की भी स्पीड लिमिट बढ़ाई गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट बढ़ी है। हादसों के बाद स्पीड पर ब्रेक लगा दिया था लेकिन अब स्पीड लिमिट बढ़ी है। वाराणसी में महाशिवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। गुरुवार को बाबा काशी विश्वनाथ का हल्दी रस्म किया गया। बाबा विश्वनाथ हल्दी के रंग में रंग गए। परंपरागत तरीके से हल्दी की रस्म मनाई गई। महिलाओं ने बाबा के हल्दी रस्म का रिवाज को पूरा किया है और पूर्व महंत के घर पर इस परंपरा को निभाया गया है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का विवाह होगा। मां पार्वती से विवाह के पहले की रस्म के साथ महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है। वैदिक रूप से हमारे यहाँ जो सुशील त्रिपाठी पंडित जी है वो मंत्रोच्चार द्वारा जो है हल्दी का जो है विधि विधान करा रहे हैं और विधि विधान पूरा हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। महिलाएं अपना जा रही हैं, फिर महिलाएं सोहर है, विवाह गीत है, वो अपना मस्ती में गाती हैं।